हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये जयशा की साजिश है भाईजान। पाक रिएक्शन ऑन चैंपियन ट्रॉफी रोस्ट, पाकिस्तान क्रिकेट रोस्ट हो रहा है भैया। तो चलो, अब जयशा की साजिश हो गई है। पहले भारत की थी, उसके बाद रा की थी, अब जयशा की हो गई है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस वहां पर भी आ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। 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 इतने अच्छे अच्छे फैसले हो चुके हैं कि अब तो यकीन हो गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान कोई कमाल ही कर दिखाएगा। अच्छा वल्लू, बता। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह बिना मुकाबला आईसीसी के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए। अब बोलिए कैसा लग रहा है? मुश्किल है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है कि वाकई में शिफ्ट हो जाए किसी हाइब्रिड मॉडल। काफी समय से बोलकों के जहन में एक सवाल उफान मार रहा था। ना वो बोलकों को चैन से सोने दे रहा था, ना वो खुल के बोलने दे रहा था। और वो सवाल क्या था? सवाल ये है कि आईसीसी का नया चेयरमैन कौन बनेगा, और बोलकों को इसका जवाब क्या मिला? भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह बिना मुकाबला आईसीसी के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए। उनके मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराया। बोलकों का दुख, 12 मुल्क थे इस वोटिंग में, 12 के 12 मुल्कों ने वोट दिया है जय शाह को। किसी एक मुल्क में हिम्मत नहीं थी, वो जो है तुमने भी नहीं थी, वोटिंग ही नहीं करने दी। हिम्मत दिखा देते, तुम तो जज्बे वाली कौम हो। 12 में से एक मुल्क पाकिस्तान भी तो था। तुमने जैसा का विरोध करके अपना जज्बा क्यों नहीं दिखाया? तुम तो खुल के हटे फिरते हो। हमारे में पावर है भाई। पोलको की पावर का क्या है? सब छुपा के रखती है, नेता कोई नहीं। और भाई आईसीसी का नया चेयरमैन कौन बनेगा, इसका जवाब तो पोलको को मिल चुका है। लेकिन अब इसी के साथ पोलको को नया सवाल क्या परेशान कर रहा है? क्या चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान में खेली जाएगी? नहीं। इंडिया वाले अब क्या कहते हैं, हम जय शाह के पांव पाड़ दें, और इंडिया वाले क्या चाहते हैं? अब भाई वैसे तो पोलकी इंडिया के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, तो नई नई बकचोदी क्या निकाल कर ला रहे हैं? भारत का बैन अल-अक़वामी क्रिकेट पर कब्जे का प्लान, भारत का आलमी क्रिकेट पर कब्जे का मंसूबा। भारत जो है अब आईसीसी पे कब्जा करना चाहता है। रोती रहो कब्जा कर रहे हैं। जैसा कि आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद पोलको की इसके अंदर सुलगी पड़ी है कि बंदे उसका विरोध करने के लिए कुछ भी आधी तरीके बकचोदी कर रहे हैं। इधर जैसा ने आईसीसी का वादा संभाला भी नहीं था कि उधर पोलको की बकचोदी क्या शुरू हो गई। हम ना कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि जय शाह के जी चेयरमैन बनने के चांसेस हैं आईसीसी के, तो अब वो बन चुके हैं। और उनके बनते ही बाबर आजम रैंकिंग में नीचे आए हैं, 3rd नंबर से 9वें नंबर पे गए हैं। भोगने को नहीं मिला तो बाबर की रैंकिंग के पीछे भी जैसा का हाथ ठेला डाला। अब भाई आप खुद इन पोलकों की मानसिकता समझ सकते हो, बंदे कैसे भारत के खिलाफ अपने दिमाग का 0 IQ लेवल यूज करते हैं। भारत चाहेगा वही आईसीसी में होगा, यानी जेंटलमैन क्रिकेट को जिस तरीके से खराब भारत की जानिब से किया जा रहा है। अब मजीद आप देखेंगे कि क्रिकेट में वो शख्स चेंजेस लेके आएगा जिस शख्स का क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, जैसे पीसीबी चेयरमैन का तो क्रिकेट से बहुत बड़ा ताल्लुक है, तो वो स्टेडियम तोड़कर पाक क्रिकेट में बदलाव ला रहा है। मतलब झोपड़ी वालों ने खुद के बोर्ड का चेयरमैन पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्टर को बनाया हुआ है। और बंदों को ज्ञान किस पर पहनना है, जैसा पर, और बंदे अपने पीसीबी चेयरमैन में से फटे कैसे जाएंगे? इस वक्त आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हेड है, जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी है। उनको टास्क दिया गया कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करानी है। अच्छा। और आईसीसी चेयरमैन जैसा के पिताजी कौन है? इंडियन होम मिनिस्टर। और उन्होंने जैसा को क्या टास्क दिया है? अब मैं अपनी जुबान से बोलूँ ये खुद समझ जाएगा। नहीं आ रही टीम इंडिया, नहीं आ रही। मुझे तो भाई इन पोलकों की बेवसी पर हंसी और आती है। बंदे कल तक डिंगे हाँकते हुए कहते फिर रहे थे, अगर भारत सपोज पाकिस्तान नहीं आता तो भारत को एक्सक्लूड करके आईसीसी से रिक्वेस्ट की जाए कि भारत को एक्सक्लूड करके उसकी जगह श्रीलंका को शामिल किया जाए। और आज जिस आईसीसी ने ये इंडिया को बाहर करने की रिक्वेस्ट करने जा रहे थे, आज उसका मुखिया खुद इंडिया में ना बैठा है। क्या रे बिकुंगिया, क्या देख रहे हैं? बीसीसीआई ने पोलकों की पूरी तरह लंका लगाई हुई है। पोलकों की हालत ये हो गई है कि कल तक जो बंदे कहते फिर रहे थे भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी, उनका आज
कहना है? भारतीय टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आएगी? इतने सालों तुम सुनता सकते हो और तुम्हारे मुल्क में आना मतलब इसलिए इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए तो बहुत महफूज जगह है। कौन कह रहा माशी मतलब पाकिस्तान दुनिया भर के आतंकियों का अड्डा बना हुआ है। एक्सपेरिमेंट के नाम पर बंदे आज दिन अपने मुल्क में धमाके करते फिरते हैं। मुल्क में घिरे ये कुछ खड़ा रहता है फिर भी पोरिकों की बकचोदी। पाकिस्तान एक अमन और मोहब्बत वाला मुल्क है। हमारे मतलब आपको मत भाई भैन के घोड़ों के अमन और मोहब्बत के बारे में मैं क्या ही बोलूं। जब से आईसीसी का चेयरमैन ग्रेग बार्कले था तब से कोई पोरिकी मजहब को बीच में नहीं लाया, लेकिन जैसे ही जैसा आईसीसी चेयरमैन बना शाह जो कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं वो आईसीसी के सदर बनने जा रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईसीसी भी इस वक्त हिंदुत्व का शिकार है। बंदा बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ होता नहीं है। इसके जैसे और भी बहुत लोग हैं जो जैसा कि चेयरमैन बनते ही बावले हो गए हैं। एक पोर्की ने तो यहाँ तक कह डाला कि जो जे शाह है ग्रेग बार्कले को प्रेशराइज कर रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो स्टेप डाउन करें और खुद जो है एज अ आईसीसी चेयरमैन आए। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। कंट्रोल कुछ भोगने को नहीं मिल रहा तो अपने मन से मनगढ़ंत कहानी पेल रहे हैं। और वैसे भी पोलको के पास अब बचा भी क्या है जो पोलकी कल तक कहते आ रहे थे। इस भी जाने से बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया गया कि कुछ भी हो जाए ना तो हाइब्रिड मॉडल होगा ना ये कहीं मूव होगी, अगर चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में ही होगी। वो आज आईसीसी में इंडिया का रोला देखकर कहते फिर रहे हैं। भारतीय दबाव के आगे आईसीसी ने भी घुटने टेक दिया है। भाई आईसीसी आईसीसी क्या है, आईसीसी अब जेश है, आईसीसी कुछ नहीं करेगा, जेश है सब कुछ। चलो भाई लॉन्डन ने फैसला कर लिया, चलो भाई चलो चलो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अरे पाकिस्तानियों की बड़ी बुरी हालत है, वो तो सुन के कि चेयरमैन एक इंडियन बना हुआ है उनको तो भैया सच्ची में बुरे हाल हो रहे हैं। और वो जो सच्ची में ये बोल रहे थे वो जो इंडिया में और ये ऐसा गंदा इंसान खतरनाक इंसान को इंडिया भेजा हुआ था एज अ पाकिस्तानी एम्बेसडर। सोचो कितने सालों तक वहां बैठ के इंडिया में क्या क्या इसने अपने गलत काम किए होंगे, नो डाउट एंटी इंडियन काम किए होंगे, उसमें इतनी नफरत भरी हुई थी उन्होंने जानबूझ के ऐसा बंदा ऐसा भेजा था। और वो यहां बैठ के इंडिया में जब तक बैठा होगा ये बहुत इसने इंडिया के अंदर जो है साजिशें करके बहुत लफड़े किए होंगे, एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स पैदा किए होंगे इंडियंस के अंदर ही, इंडियन मुस्लिम्स के अंदर बहुत मुझे लग रहा है इसकी बातें सुन के। देखो तो सी कैसे बोल रहा था कि अब तो क्रिकेट भी भगवा बन गया है, ऐसे कोई बोलता है? हाँ हिंदुत्व हो गया है, वो ऐसे कोई बोल सकता है एम्बेसडर जिसने इतनी हाई पोस्ट में बैठा पढ़ा लिखा वो खुद ही इतना घटिया था। अब से तो इससे पता चलता है कि इंडिया को जब कोई एम्बेसडर आ रहा होता है दूसरे देश से खासकर पाकिस्तान या ऐसे देशों से पहले उसकी मेंटेलिटी चेक करो कि उसका पीछे का सोच क्या है, किस टाइप से होस्ट कंट्री वो अप्रूव करती है तभी एम्बेसडर बनता है। ऐसे लोगों को नहीं, इसमें तो पूरा ये तो बहुत खतरनाक सच्ची में आदमी था। पर ये कमाल हो गया है कि भैया अब जो चेयरमैन बना है उससे इनकी जान पहले नहीं आया आएगा इंडिया नहीं आएगा तो हम कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं करेंगे, हम बिना इंडिया के खेलेंगे। अब भैया अब तो बोलने की भी हिम्मत नहीं होनी क्योंकि पता है ये पूरी कोशिश करेंगे इनके न्यूज़पेपर्स में ज्यादा बात ना करें, सीधा हो कि चलो ठीक है जो होगा होगा बस हो गया बस अब नहीं बोलेंगे। पहले देखो क्या ये नहीं पता कि पहले क्या बोल चुके थे अब कैसे बिल्कुल कर रहे चौप हुई इनकी। अरे तुम्हें अपना देश का और अपने खुद का अपना नहीं पता था, गिरेबान में तो झांक लेते बोलने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इन्होंने अपने अंदर झांका ही नहीं कि हम है कैसे। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।